मैम स्वागत है आपका, प्लीज बताएं क्या बात हुई है आपकी। जी हमने पुलिस से परमिशन के ही लिए कहा था कि आप हमें परमिशन दें, क्योंकि अमित शाह जी की तरफ से मैसेज आया था वाया मीडिया के जिन लोगों को भी इसमें प्रॉब्लम है सी ए से एनआरसी से या जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो वो हम मुझसे आके मिल सकते हैं और 3 दिन के अंदर अंदर हम लोग टाइम देंगे आप। तो उन्होंने एक डेलीगेशन के लिए बोला था, हालांकि उन्होंने ना डेलीगेशन का नाम लिया है ना ही उन्होंने शाहीन बाग का नाम लिया है, तो इसलिए एवरीबडी स्टूड अप और ये सोचा कि अब वो हमें बुला रहे हैं तो इज्जत से हम लोग भी जाते हैं, इंशाल्लाह बात होगी और बात से ही सारे मसले हल होंगे। तो अब हमने यहाँ कोशिश की आगे जाने की, पुलिस ने हमें क्या बात हुई है यहाँ पे आपके दिल्ली पुलिस ने यही बोला है कि देखिए आप लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिए, हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2 महीने से वो हम देख रहे हैं, लेकिन हम आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, वहाँ से कोई मैसेज आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग आपको क्या एप्लीकेशन में आप लोगों ने कि मतलब हम लोग मिलना चाहते हैं और हम सभी लोग मिलना चाहते हैं, यहाँ से कोई डेलीगेशन नहीं जाएगा, कोई यहाँ से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, दिस होल शाहीन बाग जितने भी यहाँ पे इंडिया से जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट। जानकारी के अनुसार जो जानकारी मिल रही थी वो ये था कि दबंग दादियाँ मिलने जाएंगी, तो खाली दबंग दादियों की बात नहीं है, देखिए दबंग दादी हैज बिकम अ फेस ऑफ दिस प्रोटेस्ट क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, पहले दिन से बैठी हैं, बट वो भी अकेले कोई फैसला नहीं करती हैं, वो भी यही कहती हैं कि जो सबकी राय होगी उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं हर चीज़ में, यहाँ सबकी राय मशवरे के बाद ही कोई आगे बात की जाती है। मैम इतने सारे लोग, कम से हजारों की संख्या में ये लोग हैं, लाखों में ये लोग हैं, तो इतने सारे लोगों से गृहमंत्री जी कैसे बात करेंगे? सारे लोगों से जैसे वो अपनी रैली में बात करते हैं, जैसे वो अपने वोटिंग्स के लिए बात करते हैं, जैसे वो डोर टू डोर जाके वोट मांगते हैं, जैसे वो लाजपत नगर में गए, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंट्री। अगर वो डेलीगेशन के लिए बोलते हैं कि मेरे पास 5 लोग अपने, हम उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, हम लोग डेलीगेशन नहीं भेजेंगे, अगर जाएंगे तो एवरीबडी विल गो, हम नहीं कह रहे कि वो हमें बुला के अपने घर के अंदर बुलाएं बिठाएं, ठीक है, ही कैन कम आउट, ही कैन कम ऑन स्टेज और ही कैन टेल अस कि हम कहाँ आए, हम लोग वहीं आ जाएंगे, वो वहीं से हमें एड्रेस कर सकते हैं। देखिए उनकी पूरा प्रशासन उनका है, वो उनको सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, सिक्योरिटी तो हम लोगों को चाहिए होती है, लाइक यू हैव बीन सीइंग यहाँ पे लोग आते हैं गोलियाँ चलाते हैं, कोई बुरखा पहन के आ जाता है कुछ करने, कोई कुछ करने आ जाता है, ये आप लगातार देख ही रहे हैं, तो यहाँ तो सब लोग अहिंसा वाले बैठे हैं, गांधीवाद लोग बैठे हैं, यहाँ पे कोई हिंसा करने वाला नहीं है, हम लोग कोर्ट से यही आशा कर रहे हैं कि इस वक्त की मौके की नज़ाकत को देखते हुए, हिंदुस्तान के माहौल को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए, जो भी माहौल है, जिस तरह जनता परेशान है 2-3 महीने से, लोग अपनी जानों से जा चुके हैं, बच्चे तक शहीद हो चुके हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जो है इसमें थोड़ा सा लोगों के हित में और देश के हित में जो जनता के हित में हो बात कोर्ट फैसला दे। कोर्ट ने मैम लास्ट डेट में, लास्ट जो तारीख थी उसमें कोर्ट ने ये बोला था कि आप जो सार्वजनिक रास्ता है, जो लोगों का रास्ता है, उसमें आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, लेकिन आप एक ऐसा प्लेस ले लीजिए जहां प्रोटेस्ट कर सकते हैं जिनसे सार्वजनिक रास्ते बाध ना। तो हम लोगों ने ये रोड नहीं ब्लॉक किया था, दिस रोड हैज बीन ब्लॉक्ड बाय द पुलिस, हो सकता है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए क्या हो हमें नहीं पता, क्योंकि जैसे अभी हालात हैं तो उस हिसाब से तो ठीक है, अगर हम ये रोड खोल भी देते हैं यू नेवर नो, कोई सड़क क्रॉस करते हुए बॉम्ब फेंक दे, कोई शूट करके चला जाए, तो ये भी एक मसला है, और इतने बड़े प्रोटेस्ट को इस लेवल पे यू कैन नॉट शिफ्ट इट टू सम अदर प्लेस, और शाहीन बाग में इतनी बड़ा जगह नहीं है कि हम लोग इसको शिफ्ट करें, हम लोग भी नहीं चाहते कि कोई परेशान हो, और ये सड़कें देखिए हमने बंद किस लिए की हैं, ये सभी के लिए की हैं, आने वाले वक्त में सब परेशान होने वाले हैं, नॉट ओनली शाहीन बाग, नॉट ओनली मुस्लिम, इट्स फॉर एवरीबडी, इतने गरीब लोग हैं जो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे, एंड मैनी ऑफ द पीपल्स हु आर कमिंग फ्रॉम दिस एरिया लाइक सरिता वी आर एंड ऑल, वो प्रोटेस्ट करते हैं हम लोगों के अगेंस्ट, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि यार हम लोग भी आप ही के देश के हैं, हम आप ही के लिए लड़ रहे हैं, मेरे पास आई हैव गॉट ऑल द प्रूफ्स, कब तक के भी ले लो आई हैव, बट वाई आई एम कमिंग हियर, मेरी बेटी है छोटी सी, मैं उसको घर पर अकेले छोड़ के आती हूँ, माई हस्बैंड इज नॉट हियर, तो मैं लड़ रही हूँ उस लड़ाई को अपने लिए नहीं, सबके लिए लड़ रही हूँ, अपने देश के लिए लड़ रही हूँ, तो उन लोगों को भी समझना चाहिए, कुछ वक्त की परेशानी है, बाद में इंशाल्लाह ये सभी का फायदा होने वाला है, तो वो लोग भी सहयोग करें, और बच्चों को हम लोग जाने देते हैं, एम्बुलेंस हम किस तरह जाने देते हैं आपने अभी भी देखा होगा कैसे निकाली गई है, तो बस थैंक यू, तो बस यही है कि गृह मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वो हम लोग भी उन्हीं की जनता हैं, आवाम है, वो हमसे आगे बात करें या हमें वहाँ आने दें, हम लोग आतंकवादी नहीं हैं, हम लोग मोहब्बत और अमन चाहने वाले लोग हैं, यहाँ सभी आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, देखिए ये सब राजनीतिक चीज़ें हैं जो की जा रही हैं, वरना यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस हम यही उम्मीद करते हैं।